Good evening everyone, welcome to today's maths class. Today we are going to discuss your doubts of full test 3, right? आपके full test 3 में जो भी doubts हैं वो सारे हम यहाँ पे discuss करेंगे. So उससे पहले आप फटाफट chat box में लिख दो कि आपको full test 3 में कौन कौन से question में doubt हैं. If you want discussion of all questions, हम सारे questions का भी discussion कर सकते हैं. ओके राइट, आपको जो भी डाउट्स है मैं इंपोर्ट करूंगा. सो फर्स्ट रोहन, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 12, पार्ट 2 एंड 3. ओके रोहन, क्वेश्चन 8, देन क्वेश्चन नंबर 12, पार्ट 2 एंड 3. आफ्टर दैट अपूर्वा, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 13, 14, और आई कैन राइट इन सीक्वेंस 13, 14, 16, 17. ओके, देन तेजस, क्वेश्चन नंबर 16, शिवांश 16, अनन्या 12. ओके, एल्स चलो इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आए सो जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स. राइट, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ. Now let me import question number 8 first. Can you say this question number 8? हाँ तेजस, वो थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है इसीलिए अप्लाई नहीं किया है. Now, a cycle is solved at a gain of 10%. यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिया गया है 10% पे आपकी साइकिल सॉल्व की गई है. Had it been solved for rupees 40 more, the gain would have been 12%. अब यहाँ पे दो केस की बात कर रहे हैं, समझना स्टूडेंट्स. केस वन, केस टू. केस वन दे आर टेलिंग इज साइकिल इज सॉल्व एट अ गेन ऑफ 10%. दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट हियर इज 10%. यहां तक क्लियर है? ओके, अब जब आप प्रॉफिट परसेंट पे कुछ भी आप साइकिल सेल करते हो, राइट, इट शुड हैव सम कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस और नॉट? राइट, देयर शुड बी सम कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल. इज दिस क्लियर? यस और नो एवरीवन? नाउ केस टू, हैज इट बीन सॉल्व फॉर रुपीज 40 मोर? राइट, सपोज पहले केस में आपकी सेलिंग प्राइस है सेलिंग प्राइस 1, सेकंड केस में आप बोल रहे हैं कि सेलिंग 2, केस यू आर सेलिंग प्राइस, जस्ट अ मिनट, प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग, यू आर एट अ प्राइस व्हिच 40 अर्लियर प्राइस. वेट, माय माउस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, सो हियर price 2 is equal to selling price 1 plus rupees 40. यहां तक क्लियर है? ओके, देन द गेन वुड, वेट, ये कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है, देन माई प्रॉफिट परसेंट विल बी 12%. तो इसको मैं P2 नाम दे देता हूँ, इसको P1 नाम दे देता हूँ. यहां तक क्लियर है? फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है. तो दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी. यस और नो एवरीवन? यस, साफवान इज टेलिंग माय वॉइस इज ब्रेकिंग. इज इट सो? इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन? नो सर. ओके, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. स्टूडेंट्स टेल मी, क्या दोनों केस में कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी? राइट, कॉस्ट प्राइस विल बी सेम इन बोथ द केसेस और नॉट? Cost price is same in both the cases, right? We are having selling price. We are having different profit percentages here. Okay. Profit percentage 1, profit percentage 2. Okay. Can we apply this now, everyone? Right?
किसी को भी आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट? उस तरीके से आप शुरू कर सकते हो या आप फॉर्मूला रख सकते हो ना. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज? हू विल टेल मी दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द रिलेशन? यस रोहन, टेल मी. सर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100. यस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100. Selling price 1 is equal to 1 plus profit percentage by 100 into cost price. So can I say that selling price 1 will be 1 plus 10 by 100 into CP? This 0, 0 will get cancelled out. 1 plus 1 by 10. 10 ones are 10 plus 1. Isn't it 11 by 10 CP? Therefore, selling price 1 is equal to 11 by 10 cost price. Is this clear, everyone? First step is clear or not? Why no one is replying today? Come on, Safwan, Amruta, Ananya, Apurva, Bhumika, Farhan, Jalin, Rajat. Clear, sir. Clear. Now see, similarly, selling price 2 will be 1 plus profit 2% divided by 100 into cost price. So it is 1 plus what is profit to 12 by 100 into cost price. So ye aapka 100 into 100 plus 12, 112 by 100 into cost price. This is your selling price too. Now, one relation is given to us. What is that relation? That selling price 2 equal to selling price 1 plus 40 rupees. Yes or no? Selling price 2 equal to selling price 1 plus 40 rupees. Let us put both these values in that relation. Selling price 2 equal to selling price 1 plus 40 rupees. So selling price 2 is nothing but 112 by 100 into cost price is equal to 11 by 10 into cost price plus 40. So if it will go to left hand side, 112 by 100 minus 11 by 10 CP is equal to 40. Is this clear? Okay. Now let us take LCM. LCM will be 100. So here just I'll multiply with 10 and divide by 10. So this will be numerator 112 CP minus 110 CP upon 100 is equal to 40. 112 minus 100, isn't it 2 CP? Divide by 100 will go to that side. 40 into 100, what it will be? 4000. So can I say CP is equal to 4000 by 2, which is equal to 2000. Haan Purva, wo YouTube pe dalna baki hai. Time nahi mil pa raha tha. And aaj bhi paper banana hai. You want that recording, Apurva? Right? Aaj try karta hoon main dalne ke liye. So this is your cost price. Is this clear, everyone? क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट लिख दो इसे आपका ईसीबी में. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फरहान, अनन्या, आदर्श, साफवान, समर्थ, ऋषि, अमृता, जल्दी जल्दी लिख दो, जल्दी जल्दी. क्लियर. पीटीएम अटेंड की थी ना सबने संडे? कौन कौन पीटीएम में एब्सेंट था? ये जल्दी जल्दी लिख दो. कोई भी पोर्शन पे मुझे वो करना है जूम आउट, आप मुझे बोलो तो वहां पे मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ. सानवी, यू आर प्रेजेंट और एब्सेंट इन पीटीएम? सर, स्टार्टिंग आई वाज प्रेजेंट सर, आफ्टर आई गॉट डिस्कनेक्ट सर, देन आई गॉट एब्सेंट. नेट इश्यूज? यस सर. ओके.
चलो आगे बढ़े, शैल वी प्रोसीड एवरीवन? ये लिख लिया सबने, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, बाकी हो तो बताओ। ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन? ओके आदर्श, 16 भी देखेंगे हम इसके बाद। द एंगल्स ए बी सी एंड डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इन द रेशियो 1:3:7:9, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सो कैन वी एज्यूम हियर, लेट angle A equal to 1x, angle B equal to 3x, angle C equal to 7x, and angle D equal to 9x. Can I say here A plus B plus C plus D equal to 360? X plus 3x plus 7x plus 9x equal to 360. 7 plus 3, 10, 9 plus 1, 10, 10 plus 10, 20x equal to 360. And what is the value of x? 0, 0 will get cancelled out, x equal to 18. If x equal to 18, from there, can you find all these angles or not? Yes or no, everyone? Okay. If x is 18, let us find A, B, C, D. You are having doubt in second and third part, but for that, first part is also required. So A equal to 18 degree, B equal to 3 times 18 degree, which is 54. C equal to 7 times 18 degree, 126. And D equal to 9 times 18 degree, which is 162. Okay, very good, Shivansh. Okay, after that, what we need to check? Second, is ABCD trapezium? Why? Okay, suppose if they are telling when ABCD can be trapezium, tell me everyone, what is the property of trapezium? Sum of any two pairs should be, or sum of any two adjacent angles should be 180 or not? Right, Sanvi? Right, Shivansh? Right, any two, not all two. So here, if you check, are angle A and D, or summation of A and D, is 180 or not? Are you getting my point? Right. Here, summation of A and D is 180. So it should be like this: A, B, C, D. Right. Because these two angles will be supplementary. 18 degree is lesser angle. So let us take A here, B, C, D. Right. B is bigger angle, 160 to 18. Then 54 and 126, this is also 180. Please give me some response, everyone. 54 and 126. Okay. So here, since angle A plus angle B equal to 18 plus 162 is equal to 180, and angle B plus angle C, which is equal to 54 plus 126, which is equal to 180. So from both of them, we can say that AB is parallel to CD, because both interior angles are only directly we can write. So if AB is parallel CD, can we say that implies quadrilateral ABCD is trapezium? Clear, everyone? Any doubt? Okay. Still third question is left, but first note down the second question so that we can see third question all along.
None. Okay. So let us see third one now. Is ABCD a parallelogram? Why? First, is ABCD parallelogram? Why? Now, what should be the condition for parallelogram? Yes, Shivansh, tell me. Sir, any two side adjacent sides should be 180 in sum. Yes, that means for parallelogram, sum of adjacent sides or all the not adjacent sides, Shivansh, but adjacent angles. Adjacent angles should be supplementary. That means sum of not only AD and BC should be supplementary, but summation of AB should be also supplementary. No, no issues, Shivansh, at all. Similarly, sum of C and D should be also 180. Yes or no? Or opposite side angles should be equal. Here, are opposite angles equal? Yes or no? Right? Hi, Sanketi. You joined very late today. Everything all right? So, tell me, everyone. Opposite angles are same or different? Different. So, since here, angle D is not equal to angle B, and angle A is not equal to angle C, we can say that ABCD is not parallelogram. Right? Because opposite angles are different. So quickly note down this part as well so that I can import next question. This was about your question number 12. Now let us see question number 13. Quickly note down this. Once you are done, just tell me, Sanketi, are you there? I'm not getting response from your side. 640, Nishka Agai. Yes, sir. Jaldi, jaldi, yes. Sir, I joined now, sir. Okay, Nishka. Can I show you next question? Sanketi, kyun itna late hua aaj? Can you see question number 13 on screen? We need to find value of x, right? Kya base dono jagah pe same hai? 2/5, 2/5, yes or no? Can I say that here 2/5 to the power 2 into 4 into x plus 2, sabka multiplication ho jayega? Na, because power of power rule, we are going to get multiplication. On other hand, 2/5 to the power minus 2 into x minus 1 into minus 3. Am I correct? Here also product. So here left hand side, you will get 2/5 to the power 4 to the 8 times x plus 2 is equal to 2/5 to the power minus minus plus 3 to the 6 times x minus 1. Now, ye pura aapka same hai, right? This whole things are same. बेस सेम है तो पावर सेम होगी हाँ या ना बोलो संकेत पावर सेम होगी सो देयरफॉर 8 टाइम्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1 नाउ लेट अस सिंपलीफाई दिस पावर्स मधुसूदन नहीं है ना यहाँ पे सो 8x प्लस 8 टू द 16 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 सो देयरफॉर ये 6x इस तरफ आ जाएगा 16 उधर जाएगा So 8x minus 6x is equal to minus 6 minus 16. 8x minus 6x is 2x. Minus 6 minus 16 minus 22. Achha Shivansh, Madhusudan ka house? Kahin gaya tha kya wo bahar, Shivansh? X kya ho jayega? Minus 22 by 2, which is nothing but minus 11. आपके नजदीक ही रहता है क्या शिवांश यू एंड मधुसूदन आर लिविंग क्लोज नो सर कैन यू सी दिस एवरीवन एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 एनी डाउट इन दिस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11 पहले ये लिख दो फटाफट क्वेश्चन नंबर 13
ओके समर्थ, मधुसूदन राजस्थान में जब तक स्कूल रीओपन नहीं होगी वो रिटर्न नहीं होगा, तो मधुसूदन के पापा यहीं पे हैं। मैं तो मधुसूदन को स्पेशल बुलाने वाला था। ठीक है, once it is done please tell me। okay done, let me import other questions then। इसके बाद क्वेश्चन 14 में भी आपको डाउट है ना, फिर 16। ओके 14, 16, 17। कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन एवरीवन? राइट, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, यहां पे बस आपको सिंप्लीफाई करना है। टू टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाय फाइव टू द पावर माइनस वन होल स्क्वायर इनटू माइनस फाइव बाय एट टू द पावर माइनस वन। कैन यू सी दिस ऑन स्क्रीन एवरीवन? चलो, टू टू द पावर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? वन हाफ, यस और नो? फाइव टू द पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं? वन बाई फाइव होल स्क्वायर एज इट इज। चलो, माइनस वन पावर अंदर देंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, रिमेंबर दिस और नॉट? माइनस एट बाई फाइव। नाउ हाफ एज इट इज, ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव बाई वन हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू माइनस एट बाई फाइव। नाउ फाइव वन जा फाइव डिवाइड बाई टू वन जा टू होल स्क्वायर इंटू माइनस एट बाई फाइव। लेट अस सिंप्लीफाई, सो दिस इज फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई टू इंटू टू माइनस एट डिवाइड बाई फाइव। फाइव फाइव विल गेट कैंसल आउट, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 5 2 is 10, minus 10. Clear everyone? So first part is super easy. Ho jayega, jaldi jaldi kar do. सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो इजी। चलो, टू बाई थ्री टू द पावर सेवन इंटू फाइव हो जाएगा पहले, बिकॉज पावर इंटू पावर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड। टू बाई थ्री टू द पावर माइनस 35। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेवन एंड फाइव? सेवन फाइव का क्या हो जाएगा एवरी वन? वट विल बी सेवन इंटू फाइव? 35। ओके, सो दिस इज योर 35। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्या है? 2 बाई थ्री टू द पावर माइनस 35। सो दिस इज 2 बाई थ्री टू द पावर 35 माइनस 35, विच इज 2 बाई थ्री टू द पावर 0, जो हो जाएगा आपका 1। क्लियर एवरीवन? जल्दी जल्दी लिख दो इसको, फिर आपका फेवरेट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एंड 17।
अच्छा 16 बहुत हार्ड लगा क्या? चलो देखते हैं. लगता है 16 सबको पसंद आया. ओके सफवान, मतलब पसंद आया इन द सेंस कि ये हार्ड वाला अच्छा लगा, मतलब हालत खराब हो गई एग्जाम में. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1 लाख फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम, एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली. राइट, जब उसे एनुअली और सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे, दो अलग अलग केस हैं. तो मैंने आपको बोला था इसमें सबसे आसान केस कौन सा होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली और नॉट, हाँ या ना, जिसको आप पहले कर दो. सर हमें कुछ याद नहीं है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था, समझो इधर. सो वी आर हैविंग टू केसेस हियर. सो सम इज रुपीज 1 लाख, दैट इज फिक्स. टाइम पीरियड इज 2.5 ईयर्स, दैट इज ऑल्सो फिक्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, दैट इज ऑल्सो फिक्स पर एनम. नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, आइदर इट इज कंपाउंडेड एनुअली and second it is compounded semi annually. मैंने आपको बोला था semi annually सबसे आसान होगा, तो पहले वो कर दो ताकि थोड़ा confidence आ जाए. Do you remember that? Right. Let us do second case first. Compounded semi annually. सो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले तो अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? एवरीवन, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, रेज योर हैंड. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट व्हेन इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली? यस समर. सर अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 200 टू द पावर 2n. यस राइट, जहां पे हम r को रिप्लेस करते थे r बाय 2 और n को रिप्लेस करते थे 2n. डू यू रिमेंबर दैट एवरीवन? राइट, सो नाउ प्रिंसिपल इज 1 लाख. यहाँ पे सेकंड केस है इसलिए मैं A2 नाम दूंगा. राइट, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 बाई 200 टू द पावर 2n. अब यहाँ से 2n फाइंड करो स्टूडेंट्स, तो n को पहले सिंप्लीफाई करो. 2 टू 4 प्लस 1, 5/2 होगा कि नहीं, हाँ या ना, कुछ तो बोलो. तो 2n क्या हो जाएगा, 2 × 5/2 विच इज नथिंग बट 5 ईयर्स. यस एवरीवन, so it is equal to 1 lakh. 1 plus 2 5s are 10, right, 5 2s are 10, so 1/20 to the power 5, which is nothing but 1 lakh. 20 into 1 20 21 20 plus 1 21 21 by 20 to the power 5. Is this clear? Bolo ha, jaldi. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20. Finally 1 2 3 4 5. अब कितने zeros cut होंगे? 1 2 3 4 5. Can I cut this 5 zeros everyone? Okay. Now, चलो अब इन सब का product. 21 into 21 441. Again 21 into 21 441 and into 21. Oh my God, very much difficult. One by one जाओ तो कोई difficulty नहीं होगी. Are you getting my point? Right? अब आपको करना है 441 into 441, then again उसको 21 के साथ multiply करना है. चलो 441 into 441. First two zeros. 4 ones are 4, 4 fours are 16. 1, 4 fours are 16 plus 1, 17. 17640 next will be same. अब 1 से multiply करोगे तो 441 नहीं आएगा. 1, 4 plus 4, 8, 6 plus 4, 10 plus 4, 14. 6 plus 1, 7 plus 7, 14. 7 plus 1, 8 plus 1, 9. And this is 1. 1,94,481. फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 21 के साथ. 194 into 21. तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 ones are 2. 8 2s are 16. 4 2s are 8 plus 1, 9. 4 2s are 8. 9 2s are 18. 1, 2 1s are 2 plus 1, 3. चलो 1 के साथ
1, 8, 4, 4, 9, 1. 0 plus 1, 1. 8 plus 2, 10, 1. 6 plus 4, 10 plus 1, 11. 9 plus 1, 10 plus 4, 14. 8 plus 1, 9 plus 9, 18. 8 plus 1, 9 plus 1, 10. 3 plus 1, 4. यहाँ तक क्लियर है राइट? 4, 0, 8, 4, 1, 0, 1. अभी डिनोमिनेटर में पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज ये तो आंसर है आपका 4, 0, 8, 4, 1, 0, 1. अब उसको डिवाइड में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5. 2 to the power 5, इट इज नथिंग बट 32. पता चला, 4, 0, 8, 4, 1, 0, 1 डिवाइड बाई 32. 32 1 जा 32, 88. तो 32 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, 32 2 जा से काम हो जाएगा. 2 2 जा 4, 3 2 जा 6. यहाँ पे क्या बचेगा, 8 minus 4, 4, एंड दिस इज 24. कैन आई टेक 4 डाउन, 244. चलो 244 है, क्या अप्लाई करूंगा, 32 5 जा 150 के आसपास जाएगा राइट. लेट अस चेक 32 7 जा 224 राइट, नियरली. सो 7 1 224, यहाँ आपका बचेगा 20 201. ओके, आप 201 है तो थोड़ा एक स्टेप पीछे जाते हैं, 32 6 जा 192. 9 बचेगा, चलो 90. अगेन 32 2 जा यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 जा तो बढ़ जाएगा. सो 2 जा 64. 10 minus 4, 6. 8 minus 6, 2, 26. पैन खाना बंद करो, इधर ध्यान दो राइट. 261. सो 224 के बाद 32 8 जा आपको क्या मिलेगा, 256 नियरली. कितना बचा, 6. डेसिमल आएगा 0.0, वो 0 में यहाँ पर रख सकता हूँ. 60. 32 1 जा अप्लाई करना पड़ेगा, इतना इनफ है. इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है. इज दिस क्लियर, हाँ या ना राइट? सो योर अमाउंट विल बी, देयरफॉर अमाउंट टू दिस इज 1,27,628.1. अब आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. So therefore, compound interest in second case is equal to amount minus principal. So 1,27,628.1 minus. चलो principal कितना है हमारा, 1 lakh or not? 1, 2, 3, 4, 5. तो कितना आंसर आएगा, 27,628.1. This is your compound interest in second case. Finally, सोचो second case में इतना मुश्किल हुआ तो first case में तो हो काफी मुश्किल होगी, हाँ या ना? अच्छा, इसीलिए बोल रहे थे सर ये question है, रुला रुला दिया. समझ सकता हूँ मैं आपका दुख दर्द, मैं समझ सकता हूँ. चलो first case clear, और I can say second case clear. First compounded semi annually, right? Can we see compounded annually now? Okay. कुछ तो बोलो. चलो देखते हैं compounded annually. ये कितने marks का question था, 3 marks या 4 marks? 4 marks. 40 marks का होना चाहिए, नहीं? Compounded annually. नहीं, तेजस पूरा पेपर बैलेंस करने के लिए बाकी सारे क्वेश्चन इजी रखे थे, तो एक क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होना चाहिए ना, नहीं तो आप बोलते सर बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर है, इसलिए एक डिफिकल्ट रखा था. नाउ A1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 plus R/100 to the power n. अब आपको याद था n इक्वल टू 2.5 है, कंपाउंडेड एनुअली करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, 2 plus half और नॉट, ये 2 के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फॉर्मूला, फिर इसको हम प्रिंसिपल लेंगे और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे. याद है मेथड? बोलो हाँ. याद नहीं है तो रिकॉर्डिंग देखो राइट. याद नहीं है तो रिकॉर्डिंग देखो, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से फॉर्मूला बुक में भी अच्छे से समझाया है, बहुत याद है कि नहीं, कुछ तो बोलो राइट. सी 8m8 8.3, देखो ये फॉर्मूला बुक आपका, ये फॉर्मूला बुक में ये चीज बहुत अच्छे से समझाई थी. सी पूरा टेबल बना के, डू यू रिमेम्बर दैट, कि अगर 2.5 हो तो किस तरीके से करना है, तो वो एक बार अच्छे से देखो
कोई भी डाउट है तो पूछो। यहां तक क्लियर है? राइट, ओके। नाउ देयरफॉर अमाउंट वन इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1 लाख, वो तो फिक्स है। अमीर बन गए आप सब तो, 1 लाख रुपीज है सबके पास। 1, 2, 3, 4, 5, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ना, डिवाइड बाय 100, टाइम पीरियड इज 2, एक एक जीरो कैंसल, सो 1 लाख एज इट इज 10 into 1, 10 plus 1, 11, 11 by 10 होल स्क्वायर, तो एक स्टेप साथ में लिख रहा हूँ, 11 by 10 into 11 by 10, कैन आई डू दैट? जल्दी जल्दी बोलो हाँ, राइट। चलो ये 0, 0, ये 0, 0 कट, 11 into 11, 121, फिर कितने जीरो से, 1, 2, 3, राइट, सो 121,000, दिस इज अमाउंट वन। नाउ दिस अमाउंट वन विल बी, विल बिहेव एज प्रिंसिपल और नॉट, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, हाँ या ना? ओके, सो नाउ फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, इस क्वेश्चन ने दिमाग हिला डाला, वो इसलिए हिला डाला क्योंकि इसके बाद ऐसे वाले क्वेश्चन का आपने रिवीजन नहीं किया। रिवीजन करो, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो हो जाएगा काम। ओके, नाउ हियर अमाउंट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर दिस अमाउंट वन विल बिहेव एज प्रिंसिपल, सो देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू, व्हाट इज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर? 1,21,000। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट की तरह करना है। व्हाट इज टाइम पीरियड? हाफ ईयर, क्लियर है? राइट, इट्स 6 months, सो नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल PRT बाय 100, सो विच इज इक्वल टू 1,21,000 into rate of interest 10, t is half, divide by 100, 0, 0, 0, 0. चलो 2 से डिवाइड करो, 2, 6 are 12, 2, 5 are 10, सो कैन आई से 6,050, करेक्ट एवरीवन? दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, ₹6,050। चलो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करो, फिर उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करो, या पहले इसमें से प्रिंसिपल माइनस करो फिर सिंपल इंटरेस्ट ऐड करो। बोलो किस तरीके से करोगे? नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकंड केस इज इक्वल टू, पहले ये अमाउंट, उसमें आप ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ये आपको नेट अमाउंट मिलेगा, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, ये नेट अमाउंट में से ओरिजिनल प्रिंसिपल माइनस करोगे, याद है नेट अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, राइट? और लेट मी शो यू हियर, ये तो पहला लग सकता है, नेट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट वन प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज 1,21,000 प्लस 6,050, जीरो फाइव जीरो फोर, 6 plus 1, 7 and 12, 1,27,050 और नॉट? कुछ तो बोलो, 1,27,050, 1,27,050 माइनस 1 lakh, सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 27,050 rupees। ये आपको आया कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट केस, सॉरी, राइट, दिस इज योर फर्स्ट केस। क्लियर है बॉस? बोलो हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी भी क्या आपका क्वेश्चन खत्म हुआ? यस सर। राइट, आपको क्या फाइंड करना है? दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। कंपाउंड इंटरेस्ट टू क्या है? 27,628.1, ये 27,050, सो नाउ फाइनली डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट आर CI2 माइनस CI1 विच इज इक्वल टू 27,000, कितना है? ओके, 628.1 माइनस 27,050, यस, वेट इज 0.1 एज इट इज 8, 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 0 5, ओके, सो
So therefore, it is equal to rupees 578.1. हाँ आदर्श, जो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा वही डिफरेंस अमाउंट में होगा. ओके, बिकॉज दोनों में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट होने वाला है तो वो भी चलेगा. आदर्श ने दोनों केस में अमाउंट का डिफरेंस लिया है, बट उसके लिए फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आदर्श. ओके, तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की गलती हुई होगी आई थिंक ये क्वेश्चन में, राइट? कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया तो फटाफट लिख दो पहले ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला, जल्दी 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 जल्दी, फिर कंपाउंडेड एनुअली वाला, राइट? आई एम गिविंग यू टाइम. ये पहले कंपाउंडेड सेमी एनुअली वाला लिख दूं, इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 17 डाउट में, वो दिखाता हूं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट आवर टुमारो शेड्यूल, वी विल टेक अटेंडेंस एंड वी कैन कंक्लूड अवर क्लास. बोलो, तो कल तो ऑफलाइन मिलेंगे हम स्कूल में, राइट? फिर इसके बाद क्या प्लान है मैथ्स क्लास के लिए, आपको और क्या चाहिए बोलो? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तो नहीं होगी, ये वीक में एक फाइनल बोलो, एक फाइनल मैथ्स क्लास करते हैं इसके बाद, राइट? आपके सिलेबस के लिए और कुछ चाहिए, रिवीजन, एनीथिंग? एक फाइनल मैथ्स क्लास इसके बाद हम करेंगे, अ फ्री काहूट सेशन. ओके, रिविजन काहूट समर. ओके, सो नहीं तेजस, आंसर यही आना चाहिए, एक बार आप देख लो. ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक हुई होगी एंड ओके, तो इसके बाद एक कल हम स्कूल में ऑफलाइन मिलेंगे एंड इसके बाद हम करेंगे आपको यहाँ पे मिलेंगे, मतलब एक मैथ्स की ऑनलाइन क्लास होगी जो सिर्फ सारे आपका जितना भी है वो सब आपका उसमें है, किसमें है? काहूट, मतलब जितने भी आपके टॉपिक है वो सब हम काउट में देखेंगे. इज दिस क्लियर? ठीक है, एंड विद दैट वी कैन कंक्लूड अवर ऑल मैथ्स क्लासेस. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, एंड वो दिन पे सब तैयार होके आना, वो दिन पे सब आपका कैमरा ऑन करना, वो दिन पे हम फाइनल ये कर देंगे. वो दिन पे हम क्या करेंगे बोलो बोलो? बैच का फाइनल फोटो लेंगे. हाँ या ना? यू वांट वन फोटो और नॉट? एक मेमोरीज की, हाँ क्लास 8 पूरा ऑनलाइन किया था हमने, उसका फोटो फ्रेम करके जब आप बूढ़े बन जाओगे तो अपने बच्चों को दिखाना कि हमने पूरा, देखो ये कोरोना आया था हमारे टाइम में, पूरा साल हमने ऑनलाइन पढ़ा था, आपको ही पता है, हमें ही पता है कैसे पढ़ाई की थी हमने. चलो सेकंड केस लिख दो जल्दी 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 जल्दी. यस शिवांश, अगेन इट इज कमिंग. नहीं नहीं वो ऑफलाइन हो जाएगा, बाकी सबका तो ऑफलाइन हो ही गया है. आपको 9th में मैं ऑफलाइन ही मिलूंगा, आप सबको जितना मारना बाकी है ना ये साल का 9th में ही, मस्ट सैनिटाइजर लगा लगा के आपके सीनियर्स को मार रहा हूँ मैं, पता है आपको? पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है तो फिर मारना ही पड़ेगा ना, मस्ती करते रहते हैं. 9th वाले बहुत शरारती है. आई होप आप 9th में आओगे तो, नहीं आपका बैच अच्छा है, जब 9th वाले 8 में थे ना तब भी वो शरारती थे, अभी भी और लॉकडाउन के जैसे शरारती हो गए. आई होप कि आपका बैच अच्छा निकले जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट सांकेति, राइट तेजस, शिवांश, गौस, रोहन, अनन्या, हाँ अनन्या सेलिंग सर वी आर इनोसेंट, हाँ अनन्या आई नो, राइट, फरहान, जेलिन, प्रांजन, रजत, वर्षा, वर्षा तो बहुत शांत है बिचारी, कुछ बोलती ही नहीं है, राइट वर्षा? ओके, शैल आई शो यू नाउ लास्ट क्वेश्चन नाउ एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 17, कुछ तो बोलो. यस,
One student is asking, sir, you really scold? भरोसा नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, नहीं भरोसा हो रहा है सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे मैं बस आपको हंसाता रहता हूँ, ऑनलाइन में मैं क्या स्कोल्डिंग करूंगा इसीलिए। तो नहीं तेजस, वो बाद में डिस्कस करेंगे आपका जब अभी खत्म हो। फाउंडेशन पूरा विष्णु सर पढ़ाते हैं, फाउंडेशन में मैं नहीं पढ़ाता। सी, जब ऑफलाइन टू ऑनलाइन क्लास शुरू हुए थे ना, आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ऑफलाइन में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ। तो ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फिर मुझे मेरा बिहेवियर चेंज करना पड़ा, मुझे बहुत स्माइलिंग नेचर का बनना पड़ा ताकि आपके क्लास अच्छे रहे। फिर स्टार्टिंग में मैं स्ट्रिक रह रहा था तो कोई पढ़ ही नहीं रहा था, फिर मुझे पता चला कि मैं हंसा रहा हूँ फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा है, बस इंजॉय कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, आके हंस रहे हैं। तो वॉट एवर इट मे बी द रीजन, वॉट एवर इट दिस इज, बट ऑफलाइन में यस, मेरे क्लास में मैं हंसाऊंगा भी एंड मारूंगा भी, दोनों चीजें होती है। तो मिलेंगे, तो कल मिल ही रहे हैं ना स्कूल में, सब डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। तो पहले आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। बोलो x प्लस 3y इंटू x प्लस 3y, क्या मैं इसे x प्लस 3y होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ या ना? कैन आई अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर? सो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। Now, so अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6xy प्लस 9y स्क्वायर और नॉट, हाँ या ना? ओके, नाउ वी हैव टू वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। वेरीफाई का मतलब क्या है? उसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, वेरीफाई का मतलब ये है कि उसका LHS एंड RHS दोनों आपको चेक करना है फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 यू नीड टू चेक बोथ द वैल्यूज, LHS एज वेल एज RHS। So here, for x equal to 2 and y equal to 1, LHS, अब कुछ क्वेश्चन मैंने डिफिकल्ट दिए शिवांश, तो कुछ तो इजी देने पड़ेंगे ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, वो 4 मार्क्स का नहीं है, वो 8 मार्क्स का है, बट वो 4 में दिया, तो ये 2 मार्क्स का है, तो उसमें दे सकता हूँ ना। This is called buy and take policy, right? Or give and take policy. So LHS x plus 3y into x plus 3y. Chalo, usme x equal to 2 and y equal to 1 rakhte hain. Haan, yes, Adarsh. Are you telling me answer, Adarsh? Or you are telling me to do question number 18, Adarsh? 2 plus 3 into 1. And here 2 plus 3 into 1. So this is 2 plus 3, 2 plus 3. 2 plus 3 is nothing but 5. So 5 into 5, 25. Okay, Adarsh. But शायद तब तक time नहीं बचेगा, देखते हैं, time बचे तो करते हैं। So LHS is equal to 25. What about RHS? RHS is equal to 2 square. Oh, sorry, पहले मैं लिख देता हूँ value, x square plus 6xy plus 9y square. X की value आपकी 2, y की value है 1. 2 square 4, 6 2s are 12, and this is 9, 12 plus 4, 16 plus 9, 25. So here, can I say that LHS is equal to RHS? So therefore, LHS is equal to RHS, hence verified. Clear hai boss? Bolo ha, jaldi 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 jaldi. To ye to ekdam aasan hai, jaldi jaldi likh do. To question number 18 mein aapko dikhata hu, and kal ka discussion karte hain. राइटिंग द एक्सप्रेशन मीन्स आफान, कौन सा एक्सप्रेशन लिखोगे तो कौन से मार्क्स आप पूछ रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है। वो कौन सा एक्सप्रेशन लिखा है उसके मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया है वही डायरेक्ट लिखोगे तो उसके मार्क्स नहीं है, लाइक ए प्लस बी इक्वल टू, नहीं ऐसा नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा को समथिंग उसका लिखा है तो वो ओके। आदर्श, क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट 2, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड 3 views are given. Identify each view corresponding to front side and top. अच्छा, ये prism में exactly एक चीज देनी चाहिए थी और आपको, कि आप यहाँ से देख रहे हो, right? चलो, तो front view क्या हो जाएगा? Second view is your front or not? हाँ या ना?
चलो अब मुझे बताओ, जब आप साइड से देखोगे, जब आप ट्राइंगल की फेस को साइड से देखोगे तो एक ही फेस दिखेगी, सो दिस शुड बी योर साइड व्यू और नॉट, राइट? एंड जब आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू में दो फेसेस आपको दिखेंगे, आपको याद है रूफ वाला मैंने आपको पूरा दिखाया था, सो फर्स्ट विल बी योर टॉप व्यू. यहां तक क्लियर है एवरीवन, राइट? एनी डाउट, एनी अदर डाउट इन FT3, राइट? चलो वापस रिपीट कर रहा हूँ, नहीं काहूट आज नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी इसके बाद तुरंत कतर का बैच है, ओनली 3 मिनट्स है, तो नेक्स्ट सेशन पूरा काहूट का रखेंगे. तो अब मैथ्स की बस एक ऑनलाइन क्लास होगी एंड कल हम ऑफलाइन मिलने वाले हैं. विद्यानगर स्टूडेंट्स, राइट, अगेन रेज योर हैंड विद्यानगर स्टूडेंट्स, कल आपको क्या लेके आना है विद्यानगर स्टूडेंट्स? पहले लेट मी काउंट द नंबर्स, राइट?